दोस्तों मैं ज़ीशान अरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल ज़ीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपका ज़मीन का रसीद खो गया है तो आप किस तरह डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपका ज़मीन का रसीद खो गया है या कहीं रखा चले गया नहीं मिल रहा और आपको ज़रूरत है और आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इससे पहले मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना दिए जिसमें मैंने बताया कि मजदूर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करें बिना पैन नंबर का, बिजली बिल में नाम पिता का नाम पता वगैरह सुधार कैसे करें, स्पाइस मनी से पैन कार्ड कैसे बनाएं, इसी तरह के मैं जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। यहाँ मैंने बताया ड्राइविंग लाइसेंस कैसे नया बनाए और ड्राइविंग लाइसेंस कैसे सुधार करें। यहाँ मैंने आपको बताया कि अपने दुकान को बैंक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने बताया कि 1 लाख से 5 लाख तक लोन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो लिस्ट पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस समय ने गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कि अगर ज़मीन का रसीद आपका खो गया है तो किस तरह आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूँ, अगर आपने ऑनलाइन ज़मीन का रसीद कटाया होगा तभी आप रसीद ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है इस वेबसाइट का, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। आप ब्राउजर में सर्च करेंगे biharbhumi.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन लगान पे क्लिक करेंगे। जहाँ से आप अपना रसीद काटे थे ऑनलाइन, वहीं से आप अपनी रसीद को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आप ऑनलाइन लगान पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के सेंटर पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 5 स्टेप आपको 5 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर में लगान बकाया देखे, तो लगान बकाया देखे पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लगान बकाया देखे तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के सेंटर पे आपको दिखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जिला का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है अंचल सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका अंचल है वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जिला सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका अंचल है वो अंचल आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका हल्का, आपको मतलब आपका गाँव का नाम क्या, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद मौजा आपको सेलेक्ट करना होगा। जब ये सब सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको दिया जाता है भाग वर्तमान या रैयत के नाम से खोजे या खाता नंबर से खोजे, जिससे खोजना चाहते हैं वो खोज सकते हैं। तो यहाँ पे खाता नंबर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे खाता नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे खोजे पे क्लिक कर देंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे। ये खाता नंबर जितने भी आदमी का है वो सारे शो कर देंगे। अब जिसका भी रसीद आपको चाहिए उसके सामने यहाँ पे देखे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप देखें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको पिछला भुगतान देखें, तो पिछला भुगतान देखें पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप पिछला भुगतान देखें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक देखे का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए देखे। इस देखे के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब इस टैब में आपका रसीद यहाँ पे मिल चुका है। आप इस रसीद को फिर से प्रिंट कर सकते हैं। जो रसीद आपने काटते वक्त मिला था वही रसीद यहाँ फिर से डाउनलोड कर लिए हैं। और यहाँ पे नीचे में प्रिंट का बटन है, प्रिंट पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आपने सीख लिया किस तरह अपनी खो गया या हेरा गया या कहीं रखा चले गया हो उस ज़मीन की रसीद को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे अगर आपने ऑनलाइन ज़मीन का रसीद कटाया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।